हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने की थी कोई गलती जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते टाइम, या आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया था, या आप करना चाहते हैं अपनी कमोडिटीज़ के HSN कोड में चेंज, या आप करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज के SAC कोड में चेंज, या आप करना चाहते हैं अपने ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स में चेंज? अगर ऐसा है तो देखते रहिए मेरी ये वीडियो, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ आपको करना है अमेंडमेंट अपने रजिस्ट्रेशन में किस तरह से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है आपको अमेंडमेंट अपनी GST रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में, अगर आपने की थी कोई मिस्टेक या कोई आपका माइंड हो गया है चेंज। अब आपने किसी और गुड्स में पहले बिजनेस कर रहे थे और आप करना चाहते हैं किसी और गुड्स या सर्विसेज में, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है उन्हें चेंज। सबसे पहले आपने कर लेना है अपने अकाउंट को लॉगिन। लॉगिन करते ही आपके पास आ जाएगा आपका ये डैशबोर्ड वाला पेज। इस डैशबोर्ड वाले पेज में साइड में दिख रहा है आपको सर्विसेज का टैब। सर्विसेज में क्लिक करेंगे, जैसे ही आप चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं आ रहा है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फिट्स। हमें कर लेना है इस पर क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास आ गया, मेरा डैशबोर्ड अपीयर हो गया मेरे पास। इस येलो में पहले हम देख लेते हैं इस येलो कलर के जो बॉक्स में हमें क्या क्या दिया हुआ है। एप्लीकेशन टाइप, क्योंकि हम करना चाह रहे हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नॉन कोर फील्ड्स। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलर। GST नंबर आ रहा है, नेम ऑफ बिजनेस आ रहा है, ड्यू डेट टू कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेट है इस डेट तक आपको अपनी अमेंडमेंट कर लेनी है कंप्लीट, अदरवाइज आपकी अमेंडमेंट की ऑप्शन जो आपने चूज़ की है वो हो जाएगी इनवैलिड और आपको फिर से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू डेट टू कंप्लीट। मेरे पास आ रही है 27 अगस्त, तो जो भी ड्यू डेट आपके पास आए उससे पहले अपने अमेंडमेंट को कंप्लीट कर लेना अगर आपको करनी है अमेंडमेंट। अब आपको इंपॉर्टेंस बता देती हूँ एप्लीकेशन टाइप की। इसमें यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है अमेंडमेंट नॉन कोर फिट्स? देखिए, किसी भी रजिस्ट्रेशन में कुछ एरियाज होते हैं हमारे कोर और कुछ होते हैं नॉन कोर। कोर कौन से होते हैं? जैसे हो गया आपका पैन नंबर, आपका लीगल नेम, आपका ट्रेड नेम, या फिर आपने अपना बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पहले प्रोप्राइटरशिप चूज़ किया था या पार्टनरशिप चूज़ किया था, या फिर आपके बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस, उसका एड्रेस। तो इस तरह के एरियाज होते हैं आपके कोर, जिनकी ऑप्शन अभी अमेंड करने की आपको GST ने नहीं दी है। अभी आपके पास ऑप्शन है सिर्फ नॉन कोर फील्ड्स को चेंज करने की। तो कोर फील्ड्स को चेंज करने के लिए कोर फील्ड्स में, तो या तो आपको पहले अपना GST नंबर करना होगा सरेंडर, या फिर कैंसिल करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन, तभी आप नए सिरे से कर पाएंगे अपने कोर एरियाज में चेंज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से हैं वो एरियाज जिनमें आप कर सकते हैं चेंज। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे फर्स्ट डिटेल, बिजनेस की डिटेल। बिजनेस डिटेल में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर वही मैंने आपको बोला, लीगल नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर, ट्रेड नेम, कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ज्यूरिडिक्शन, स्टेट सर्कल, कमिश्नर कोड, डिवीजन कोड एंड रेंज कोड। इन्हें चेंज करने की ऑप्शन नहीं आ रही है, पर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, ऐड कोई इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। कोई रजिस्ट्रेशन आप पहले आपके पास था और उसे आप ऐड करना भूल गए थे। मान लीजिए आपके पास वैट नंबर भी था, सर्विस टैक्स नंबर भी था, तो आपने वैट नंबर तो ऐड कर दिया पर सर्विस टैक्स नंबर ऐड नहीं करा, तो उसे आप इजीली अब यहाँ पर मैंडेट के में जाके एडिट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। आप ये कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक, तो आप कर पाएंगे चेंज अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में। अब आ जाते हैं प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स पर। यहाँ पर आप इजीली अपने प्रमोटर या प्रोप्राइटर की डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आप प्रमोटर, क्योंकि ये तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म के केस में आते तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर्स की डिटेल दिखाई दे रही होती और जिस भी पार्टनर की डिटेल में आपको चेंज करना था आप उन पर यहाँ एडिट के बटन पर क्लिक करके चेंज ईजिली कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी की। अगर आपने पहले किसी पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया था पर आप चाहते हैं कि मैं उसे एडिट करना चाहता हूँ, या उस बंदे को डिलीट करना चाहता हूँ, या मैं किसी नए पर्सन को अपना ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पर जाकर इजीली कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि जो पर्सन आपके बिहाफ पर करेगा आपके GST के सारे काम। अगर आप किसी पर्सन को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पर। पहले क्लिक करते ही आ जाएगी ऑप्शन येस की, जिसमें टाइप ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछा जाएगा। जब बनाएंगे GST प्रैक्टिशनर को तो उनका एनरोलमेंट ID भी आपको देना होगा। GST प्रैक्टिशनर के पास होगा अपना एनरोलमेंट ID, उसके डिटेल्स आपको यहाँ ऐड करनी होगी।
नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन नंबर, आधार नंबर, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऐड ना करके किसी और पर्सन को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं तो अदर पे आपको चूज़ करना होगा और एनरोलमेंट आईडी उस केस में अप्लीकेबल नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हुए कि मैम मैं टैक्स पेयर चूज़ करूँ या जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए समझ लीजिए, जीएसटी प्रैक्टिशनर हर कोई पर्सन नहीं बन सकता। जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। अगर आप अपना बिजनेस के लिए अपना जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली चूज़ करनी है टैक्स पेयर की कैटेगरी, जीएसटी प्रैक्टिशनर आपको चूज़ नहीं करना। अब मैं बता देती हूँ आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उनको चेंज करने की यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रही है। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस को भी चेंज करने की कोई ऑप्शन नहीं आ रही है। तो अभी आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इजीली अपनी कमोडिटीज़ को चेंज करने की। मान लीजिए आप पहले आपने एक या दो ही कमोडिटीज़ चूज़ की थी बिजनेस करने के लिए, पर आप चाहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा कमोडिटीज़ अपनी चूज़ कर लूँ, तो इजीली आप यहाँ से अपना HSN कोड चूज़ कीजिए। मैं HSN कोड 9025 में इसमें ऐड करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे अपना पहले 4 digit का HSN कोड डाल लेना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है तो मुझे ईजिली अपना HSN कोड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं डिलीट, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वार्निंग देगा आपको, या फिर आप भी ऐड भी कर सकते हैं। अब आप अभी तक तो बिजनेस कर रहे थे गुड्स में, अब आप चाहते हैं कि मुझे सर्विसेज में भी करना है, तो यहाँ से ईजिली आप अपनी सर्विसेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेंट अ कैब करते हैं, मान लीजिए आप जैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विस सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप आर एंटर करेंगे तो ये आपको ऑप्शंस दे देगा। तो आपको अपना रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग जो भी आप चूज़ करना है SSC कोड के साथ आपके पास यहाँ आ रहे हैं, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे, तो ईजिली अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट की, देख लेते हैं क्या हम अपने बैंक अकाउंट में चेंज कर पाएंगे। ये ओपन हो गया मेरा बैंक अकाउंट का टैब। इस पेज में मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट की। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल दूँ तो मुझे यहाँ पर पहले अपने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स चेंज कर लेने हैं, फिर ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है तो मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर पाऊँगी। अगर आपने पहले अपने बैंक अकाउंट की डिटेल ठीक नहीं डाली थी तो एडिट पे क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की। ये डिटेल मैंडेटरी नहीं है, मैक्सिमम केसेस ये डिटेल मैंडेटरी नहीं है। इसमें क्या है, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयमेंट कोड नंबर, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर एंड नेम ऑफ द पर्सन इन हूज नेम लाइसेंस इज हैड। अगर आप ये डिटेल देना चाहते हैं तो डालकर सेव कर लें, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। अब हमारा लास्ट टैब मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन। जब आपको लगे कि आपने अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं ठीक से, सभी डिटेल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें इन टैब्स पर जाकर। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अब मुझे करना है सबमिट अपना अमेंडमेंट, तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर ले, फिर डाल दें अपना ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल, फिर डाल दें अपना प्लेस, और फिर आपके पास टैब अपीयर हो जाएंगी कि आपको वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं आप सबमिट विद DSE मर्ज, मतलब अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं तो डिजिटल सिग्नेचर से। यहाँ पर ध्यान देने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये लिखा है DSE इज़ कंपल्सरी फॉर कंपनी एंड LLP। तो कंपनी एंड LLP के केस में तो आपको सबमिट ही डिजिटल सिग्नेचर से करना है, अदरवाइज आपके पास दो और ऑप्शंस हैं, सबमिट विद e-signatures। इसमें क्या होगा, जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर चला जाएगा उनके पास एक OTP, और उस OTP के थ्रू आप इजीली कर पाएंगे e-signature। अगर ऑथराइज सिग्नेचर का आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या ठीक नहीं है तो तीसरे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सबमिट विद EVC। इसमें आपके उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे EVC आएगा जो आपने GST की वेबसाइट पे रजिस्टर करते हुए डाला था। उसके बाद उस ई वेरिफिकेशन कोड के थ्रू आप कर पाएंगे अपना वेरिफिकेशन। तो इस तरह से आप अपना GST का रजिस्ट्रेशन अमेंड कर पाएंगे वेरी इजीली। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरी GST रजिस्ट्रेशन की वीडियो पर कि मैम हमने अपना स्टेट ज्यूरिडिक्शन हमें चूज़ करना नहीं आ रहा है, वो हमें बता दें कैसे चूज़ करना है, जो ये एरिया डिवीज़न कमिश्नर कोड रेंज कोड है वो कैसे चूज़ करना है। उसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। सिंपली गूगल पे चले जाइए, गूगल पे जाके
रिसर्च कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। वरना अगर आप ऑलरेडी कहीं वैट अथॉरिटी में या कहीं पर रजिस्टर थे तो अपने पुराने रजिस्ट्रेशन में देख लीजिए कौन से एरियाज़ वगैरह डले हुए हैं, उनके बेसिस पे सर्च कर लीजिए। अगर तब भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जो भी आप ढूंढ सकते हैं वो डाल दीजिए। बाद में क्या होगा, वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स को कर दिया जाएगा रेक्टिफाई, अगर आपने चूज़ की होंगी गलत भी तो। कोई ख़ास इसमें आपको परेशानी फील करने की बात नहीं है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वाइड है, इसमें इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं भी आपको सभी कमिश्नर कोड, डिवीज़न कोड, रेंज कोड, एरिया सर्कल बता दूं, तो ये आपको खुद करना होगा और आप इजीली कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मेरे पास क्वेश्चन और आता है, मैम हमें कमोडिटी का HSN कोड कैसे पता करना है? HSN कोड के लिए भी बहुत एक ईजी वे है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी कहीं रजिस्टर थे, मान लीजिए आपके पास वैट में नंबर था, उसमें आपका कमोडिटी का कोड पक्का लिखा होगा, उस कमोडिटी के पहले 4 डिजिट यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे तो ये देखिए ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। उन 4 डिजिट्स को चूज़ करके आप अपनी कमोडिटी को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सर्विसेज में तो बहुत ही इजी है, SSC में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप रेस्टोरेंट का चाहते हैं तो आपको सिंपल रेस्टोरेंट डालना है और ये रेस्टोरेंट सर्विस आ गया विद SAC कोड। तो इस तरह से इन छोटे छोटे तरीकों से आप ढूंढ सकते हैं अपना HSN और SAC कोड। अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी स्टिल आपकी कोई क्वेरी है GST रजिस्ट्रेशन को लेकर या अमेंडमेंट को लेकर, तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। यहाँ पर ध्यान देने के लिए दोबारा से मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर अमेंडमेंट हो रही है सिर्फ नॉन कोर फील्ड्स की। कोर फील्ड्स में अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपना GST का रजिस्ट्रेशन नंबर या तो कैंसिल करना होगा पहले, या सरेंडर करना होगा और फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर आप एक बार GST की हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट कर लें और उनसे पूछ लें कि अब हम क्या करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो के नीचे है थम्स अप का बटन, लाइक का बटन, उस पर क्लिक कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कैसा आप फील करते हैं मेरी वीडियोस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।